દિલ્હીના અધિકારીઓની ટ્રાન્સફર અને પોસ્ટિંગ સાથે જોડાયેલા ઓર્ડિનન્સનું સ્થાન લેનાર વિધેયક લોકસભામાં પારિત થયું છે. અમિત શાહે કહ્યું છે કે વિપક્ષને માત્ર ગઠબંધનની પરવા છે. દિલ્હીના અધિકારીઓના ટ્રાન્સફર અને પોસ્ટિંગ સાથે જોડાયેલા વટહુકુમનું સ્થાન લેનાર વિધેયક લોકસભામાં ગુરુવારે ધ્વનિમતથી પારિત થયું છે. આ બિલ પર ચર્ચા દરમિયાન ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો અને કહ્યું હતું કે દિલ્હીને લઈને કોઈ પણ મુદ્દા પર સરકારને કાયદો બનાવવાનો અધિકાર છે. માનનીય અધ્યક્ષજી, મેં સદન કે સામે ઓર આપકે માધ્યમથી દેશ કી જનતા કો બડી વિનમ્રતા કે સાથ કહેના ચાહતા હું કે એ અધ્યાદેશ ઓર બાદ મેં અબ જો બિલ મેં કન્વર્ટ હો રહા હૈ વો વિધેયક લેકર મેં આયા હું, એ સંપૂર્ણતયા સંવિધાન સંમત હૈ और केवल दिल्ली की जनता के कल्याण के उद्देश्य से बनाया गया है. कांग्रेस टीएमसी अने डीएमके सहित विपक्षी दलों ने बिल नो विरोध करो हतो, तो अमित शाह विपक्षी गठबंधन ने निशाने लीधु हतो और निर्वाचित सरकार के अधिकारों को हड़पने की कोशिश की है. ये संघवाद की बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करता है. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 11 मई को दिल्ली सरकार को जो अधिकार सौंपे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट का फैसला पलट दिया है. सर, यही हमारा मोटा मोटी हमारा ये सरकार के खिलाफ. और बताइए भैया, आप बाहर जाकर मीडिया को, अगर ये नहीं है तो सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे? सारे बिल महत्वपूर्ण नहीं है क्या? सारे बिल महत्वपूर्ण है, आपको रहना चाहिए था. मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है. और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है. केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे. महत्वपूर्ण छे कि सुप्रीम कोर्टे 11 मई कह्यू हतु कि दिल्ली सरकार ना ब्यूरोक्रेट्स ने बदली पोस्टिंग सहित नी सेवाओं पर नियंत्रण दिल्ली नी केजरीवाल सरकार नी पासे छे. तेने पलटता केंद्र सरकारे 19 मई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 लागू कर्यो हतो. आ अध्यादेश नु स्थान हवे आ विधेयक लई रह्यु छे. ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी.